दोस्तों हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। बात करते हैं उन महिलाओं से जो कि आज भी डेरा के एक संस्थान में उपस्थित है, जानते हैं उनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार, धन धन सतगुरु तेरा यासा। मेरा नाम बिंदिया ग्रोवर है, मैं फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ। आज मैं डेरा सच्चा सौदा में 25 जनवरी का जो पिताजी श्याम मस्ताना जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें आज उनका हिस्सा बनी हूँ। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? मैं लगभग बहुत तो नहीं कह सकती, भी 10-12 साल हो गए जब से मैं डेरे से जुड़ी हूँ। आप इतने लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं, एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ आना सही है? बिल्कुल आना सही है, 100% आना बहुत सही है। पिताजी के आने से ही जो समाज में सुधार हुआ है वही है, नशा छुड़ाना, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, बहुत कुछ पिताजी से सीखने को मिला है। उनका जो नामदान है लिया है, हर प्रकार की दुख दर्द से दूर करते हैं। क्या क्या है गुरुजी ने समाज के लिए? समाज के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया, उनके हर प्रकार से कहना नहीं किया वो उसका हक नहीं है, बहुत कुछ किया उन्होंने। जो भी कुछ कहेंगे बहुत कम है उनके लिए, बहुत कुछ किया उन्होंने समाज के लिए। तो क्या गुरुजी को समाज में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर बात की जाए महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, तो किस प्रकार की सेफ्टी आपको यहाँ दी जाती है? यहाँ पर हर प्रकार की सेफ्टी दी जाती है, जो अफवाहें हैं वो झूठ हैं कि यहाँ पे ये है वो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर प्रकार की सेफ्टी है। चाहे लेडीज़ यहाँ पे पूरी रात क्यों अकेली रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो क्या आप डेरा से हमेशा जुड़ी रहेंगी? हाँ जी, जब तक हैं लाइफ में तब तक यहाँ पर आते रहेंगे और जुड़े हुए हैं। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? मैं यही वीडियो द्वारा संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी है अफवाहों से दूर रहें, हर प्रकार सेवा से अपनी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जुड़े रहें। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, अफवाहों से दूर रहें बस। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि पिताजी जल्द से जल्द डेरा सच्चा सौदा में वापस आएं और अपने बच्चों को, करोड़ों बच्चों को संभालें, उनका आशीर्वाद सब पर रहे।